जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, यही बोलकर हमने पिछले साल गणपति बप्पा को विदा किया था और आज वो समय आ गया है जब फिर से हमारे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी आने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी इस साल कब है और कैसे हम अपने गणेश जी को प्रसन्न करें ताकि वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। फ्रेंड्स, पहले चलिए हम जान लेते हैं कि इस साल गणेश चतुर्थी कब है और गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। फ्रेंड्स, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल 2021 में गणेश चतुर्थी 10 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। दोस्तों, चतुर्थी तिथि का आरंभ 10 सितंबर 2021 को आधी रात में 12:18 से हो जाएगा और 10 सितंबर रात 9:57 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। जो लोग गणपति स्थापना करेंगे उन्हें बता दें कि गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त मध्याह्न यानी दोपहर के समय होता है, क्योंकि गणेश जी का जन्म दोपहर में ही हुआ था। दोस्तों, गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त दोपहर को 11:03 से 1:33 तक है। पूरे 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिल रहा है। आप इसके बीच में गणपति की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि गणपति स्थापना कैसे करें तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने स्वयं सारी स्थापना और पूजा करके दिखाई है, तो आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध होता है, ऐसा करने से पाप लगता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें तो कर लीजिए ये उपाय। आपको करना क्या है कि गणेश चतुर्थी से लेकर गणपति विसर्जन यानी अनंत चतुर्दशी तक प्रतिदिन गणेश जी को 108 दुर्वा घास चढ़ानी है। फ्रेंड्स, किसी भी साफ स्थान से हरी हरी दुर्वा घास ले आइए और प्रत्येक दुर्वा पर ओम गंग गणपते नमः बोलकर गणेश जी के मस्तक पर अर्पित करें। ध्यान रखें कि दुर्वा गणेश जी को चरणों में नहीं चढ़ाते बल्कि गणेश जी के मस्तक पर ही अर्पित करते। फ्रेंड्स, ऐसी कथा आती है कि दुर्वा नाम की एक कन्या गणेश जी से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या आरंभ की। उसके तप से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने उसे वरदान दिया कि वो गणेश जी को सबसे प्रिय होगी और दुर्वा एक घास का रूप लेकर वहीं प्रतीक्षा करने लगी। एक बार गणेश जी ने अनलासुर नाम के अग्निमय दैत्य को निगल लिया, जिसके कारण उनके उदर में जलन होने लगी और कई उपाय करके भी वो शांत नहीं हुई। तब माँ पार्वती ने उन्हें दुर्वा खिलाकर उनकी पीड़ा को दूर किया। तभी से गणेश जी को दुर्वा सबसे प्रिय लगने लगी। दोस्तों, हमने पिछली बार आपको गणेश जी और दुर्वा की कथा सुनाने को कहा था, सो आज सुना दी। तो दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय और आप देखेंगे कि विघ्नहर्ता कैसे आपके विघ्न दूर करते हैं और आपकी हर उचित मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और भी रोचक जानकारी के साथ। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।